आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे कार्ल्सबर्ग बियर का रिव्यू। कार्ल्सबर्ग एक बहुत ही फेमस बियर है इंडिया में। क्या आप जानते हैं कि ये एक डेनमार्क का प्रोडक्ट है? जी हाँ दोस्तों, 1847 में जेसी जेकबसन ने इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया था डेनमार्क में, और 2007 में इस प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च किया गया था, और तब से लेकर आज तक इसका बिजनेस कमाल का है। और ये बियर में बहुत सारा खासियत है जिसको हम लोग इस रिव्यू के दौरान जानेंगे। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि बियर बनाने में चार इंग्रेडिएंट्स सबसे जरूरी है, जैसे कि वाटर, ईस्ट, हॉप्स एंड माल्टेड बार्ली। और इसके अलावा अगर कुछ पांचवा प्रोडक्ट को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है या मिलाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजंक्ट। और इसमें दो तीन किस्म का एडजंक्ट है, और जिसके कारण आपको सबसे बेस्ट बियर आपको कार्ल्सबर्ग देता है। अब इसमें एडजंक्ट के स्वरूप मिलाया गया है कॉर्न को, जी हाँ मकई को, और साथ में कॉर्न सिरप को भी मिलाया गया है। और ये बियर जो है इसमें कलर भी ऐड किया गया है, इसका जो पिल्सनरी लुक है उसको डालने के लिए या दिखाने के लिए। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये कार्ल्सबर्ग बियर जो है ये इंडिया का बहुत सारा स्टेट में बनाया जाता है डायरेक्टली। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये बियर अभी फॉरेन कंट्री का प्रोडक्ट नहीं है, ये इंडियन बियर बन चुका है, क्योंकि इसमें जितना भी प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है वो सब इंडिया से ही लिया जाता है, और इंडिया में मैन्युफैक्चर करके आपको डिलीवर भी किया जाता है। कार्ल्सबर्ग बियर कंपनी एक ऐसा ब्रिविंग कंपनी है जो पहले इस्तेमाल किया था पीएच लेवल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पीएच लेवल को कंट्रोल करना तब के ज़माने में बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी किसी के पास था नहीं, मगर कार्ल्सबर्ग कंपनी ने उस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया था। पीएच लेवल का मतलब है कि आपका जो वाटर है उसका जो एसिडिक लेवल है वो कितना मात्रा में आपका पानी में है, जो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है जब भी आप बियर बनाते हैं। पानी में एसिड को मेजर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इन्वेंशन है ये कार्ल्सबर्ग बियर ने किया था। तो चलिए अभी बॉटल को खोलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा है और टेस्ट कैसा है, अरोमा कैसा है। तो ये रहा ओपनर, मैं इसको पहले खोलता हूँ और चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा ग्लास में इसको डालूँ। तो मेरे पास आज है बियर मग जो मैं आज इसमें पोर करूँगा, तो मैं चाहूँगा कि इसको दाहिना हाथ में लूँ और इसको बाया हाथ में लूँ। अब इसको पोर करते हैं, ठीक है। कार्ल्सबर्ग 275 ml बियर का जो कॉस्ट है वो है ओनली 80 rupees, और 5% अल्कोहल बाई वॉल्यूम के साथ आपको ये डिलीवर किया जाता है। ओके, सो कलर का जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ये बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर का एक बियर है, जैसे कि आपको मैं पहले बता रहा था। और फीस का अगर बात करें तो देखिए इसमें फीस कितना जल्दी डिजापेयर कर रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा एडजंक्ट है इसीलिए ये बहुत जल्दी डिजापेयर भी हो जा रहा है। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि ये फीस ज़्यादातर रहेगा। अभी एरोमा का बात है, अब देखते हैं कि क्या क्या एरोमाज है इसमें। गोल्डन रोस्टेड ग्रेन का एरोमाज है, बहुत बढ़िया। साथ में हॉपी बिटरनेस और थोड़ा सा आपका मेजी का यानी कॉर्न का भी थोड़ा सा एरोमास आ रहा है। मॉल्ट स्वीटनेस का भी बहुत अच्छा एक एरोमास आ रहा है इसमें। तो अभी टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा लगा। बॉडी बहुत थिन लगा, बहुत ही थिन है, और कार्बोनेशन जो मैं बोलूँगा वो भी मुझे ठीक ठाक ही लगा। कार्बोनेशन ठीक है मात्रा में, और ब्रेड का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और लॉट्स ऑफ बिटरनेस यानी इस बियर में बिटरनेस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मात्रा में है। हाँ, एक बात तो तय है कि ये बियर जो है थोड़ा सा स्मूथनेस के मामले में काफ़ी आगे है, काफ़ी स्मूथ लगा हमको ये बियर। तो इस मामले में मैं इसको आउट ऑफ 10 में 8 देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी स्मूथ है, हालांकि बिटर है मगर स्मूथ है। तो ओवरऑल इम्प्रेशन का बात करूँ तो इस बियर में आपको बिटरनेस मिलता है, और साथ साथ ये आपको कुछ अलग कैटेगरीज का फ्लेवर भी देता है। और मैं बोलूँगा कि इसका जो प्राइस है 80 rupees वेस्ट बंगाल में पिंट बियर का यानी 275 ml का,
ये बहुत ही अच्छा एक प्राइस है जहाँ पर आपको एक इंटरनेशनल बियर टेस्ट करने को मिलता है, हालांकि वो इंडियन बियर है। और अल्कोहल परसेंटेज जो है ये सिर्फ 5% अल्कोहल है, यानी ये माइल्ड बियर है, ये लेगर बियर है। अगर आपको एक बजट बियर चाहिए इंटरनेशनल ब्रांड के साथ, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कल्सबर्ग को। कल्सबर्ग बहुत ही अच्छा एक बियर है, हालांकि टेस्ट बहुत बिटर है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून विद अ न्यू कॉकटेल, न्यू मॉकटेल, न्यू इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव।